नमस्कार, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप मैरिज सर्टिफिकेट यूपी में ऑनलाइन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा यूपी मैरिज, बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब या तो आप यहाँ पे विवाह पंजीकरण इस पे क्लिक कर दीजिए या इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है। ये जो पेज है, इसका डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। जब आप उस पे क्लिक करोगे, सीधा इस पेज पे आ जाओगे। या फिर अगर आपके सामने जो मेन प्रेस्ट है, इसका मुख्य पेज जो है वो इस तरीके से ओपन होके आ रहा है, तो इस पेज पे आप नीचे की तरफ आ जाइएगा और यहाँ पे विवाह पंजीकरण में दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा विवाह पंजीकरण सत्यापन, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या, अगर आपको पता है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए, या अदरवाइज आवेदन संख्या यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब जो आवेदन संख्या है ना, उसमें आपको ये वाला नंबर डालना है। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो उसमें जो सबमिट किया था, तो जो आपको आवेदन संख्या जो जनरेट हुआ था, तो ये आपको वहां पे डालना होगा। आवेदन संख्या में यहाँ पे डेट, मैरिज डेट डाल दीजिए। जो मैरिज जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरा था, तो उसमें जो मैरिज डेट आपने डाली थी वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिएगा। कैप्चा वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर क्लिक करके कैप्चा वर्ड आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये डिटेल डाल के देखे पे क्लिक कीजिएगा। ये सभी डिटेल डाल के जैसे ही आप देखे पे क्लिक करोगे, तो इस पे नीचे की तरफ आइएगा इस पेज पे। यहाँ पे आपको दिखा जाएगा विवाह पंजीकरण सत्यापन। अब यहाँ पे पंजीकरण संख्या, पंजीकरण दिनांक, ये पति का विवरण, पत्नी का विवरण, विवाह स्थल, और राइट साइड में इस पेज पे आइएगा और यहाँ पे दिखेगा आपको प्रमाण पत्र हिंदी में अंग्रेजी में। तो यहाँ पे चयन करें, तो चयन करें पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अंग्रेजी में डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम अगर जैसे अंग्रेजी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और अगर हिंदी में आप करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सभी डिटेल हमने हाइड कर रखी है एप्लीकेंट की सिक्योरिटी रीजन की वजह से, और यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से ये सभी डिटेल हमने हाइड कर रखी है। तो इस तरीके से आपको सभी डिटेल दिख जाएगी जब आप डाउनलोड करोगे तो। और आप डाउनलोड करना चाहते हो अपना मैरिज सर्टिफिकेट, तो प्रिंट करे पर क्लिक करके डाउनलोड आप कर सकते हो, या प्रिंट निकालना चाहते हो इसका तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कलर फोटो आपको दिख जाएगा, अगर कलर फोटो आपने अपलोड किया है तो कलर फोटो यहाँ पे आपके दिख जाएंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यूपी मैरिज से रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियो यानी कि कंप्लीट वीडियो अपलोड कर रखी है। इस पर क्लिक करके डालोगे ना आप यूपी मैरिज, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता रखी है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, 6 महीने पहले ही अपलोड किए, या आप यूट्यूब में भी डाल सकते हो यूपी मैरिज स्पेस सरकारी लोग, तो सबसे ऊपर वीडियो आपको दिख जाएगी। तो जो तरीका अभी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, उससे आप वेरीफाई कर सकते हो मेरे सर्टिफिकेट को, और डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।